हाय फ्रेंड्स, कच्चे नुक्ता किचन में स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल की, कच्चे नारियल की बर्फी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये देखिए, मैं एक नारियल का गोला ले रखी थी, इसे मैं फोड़ के साफ कर ली हूँ। इसे ये देखिए, इस तरह से इसे छील लिए हैं। तो फिर मैं दिखा दे रही हूँ आपको कि कैसे छील इसको। ये काला काला जो पार्ट है, इसका सारा ये निकाल देंगे। ये देखिए, इस टाइप का सारा निकाल देंगे, इसे बारीकी से सारा निकाल देंगे, इसका साफ कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से सारे साफ कर देंगे। तीज के दिन आ रहा, त्योहार आ रहा, तो ये देखिए इसे साइड कर देंगे। तो इसी तरह छील लेंगे सारा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं सारा छील ली हूँ। ये देखिए, मैं साफ कर ली हूँ इसे। तो इसे क्या करेंगे, एक मिक्सी के जार लेंगे, इसे साफ कर लिए पानी से धोकर। तो ये देखिए, एक मिक्सी के जार ले रहे हैं। तो इसी में छोटा छोटा पीस करके इसे डाल देंगे। इसे ये देखिए, इस तरह से पूरा इसे ग्राइंड कर लेंगे, पूरा एकदम इसका बना लेंगे, जैसे सूखा नारियल का रहता है ना, उस टाइप का इसे बना लेंगे। तीज त्योहारों में तो जानू करते ढेर सारे मिठाई बनते हैं। यह है पानी वाला नारियल का बर्फी। तो ये देखिए, सारे इसी तरह से कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पिसा चुका है। ये देखिए, पूरा फाइन हो गया, एकदम पूरा इसका बन गया है बुरादा। तो ये देखिए, मैं कटोरी में निकाल ले रही हूँ, कटोरी से नाप के दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक कटोरी होगा नाप कर। ये छोटा सा नारियल लिए थे, नारियल का गोला था, तो उसे एक कटोरी बना है। तो चलिए अगला प्रोसेस करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिए थे गर्म होने के लिए। तो मैं इसमें बुरादा डाल दे रही हूँ नारियल का। तो ये देखिए, तो इसे सबसे पहले इसे, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे 2 से 3 मिनट इसे रोस्ट कर लेना है। यूं ही इसका पानी सुखा लेना है, क्योंकि इसका पानी सुखाना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए, पानी इसका सुखा लीजिएगा, रोस्ट कर लीजिएगा, तो ये बिल्कुल एकदम बुरादा बन जाएगा, जैसे सूखा हुआ लाते हैं खरीद कर। तो ये देखिए, बहुत अच्छा मिठाई बनता है इसका। अब तीज में बना के खा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, इसका मिठाई चढ़ाते हैं। तो ये देखिए, इसे रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट, पानी सुखा लेंगे इसका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका पानी सूख गया है। तो इसमें ये दूध का फ्रेश क्रीम डाल दे रहे हैं, जो दूध उबाल के रखते हैं। तो ये देखिए, दूध का ये 1 किलो फुल क्रीम का दूध का मैं डाल दे रही हूँ। इसे चला लेंगे बढ़िया से। आप चाहे तो इसकी जगह पे मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। आप नॉन स्टिक कढ़ाई में भी बना सकते हैं, फ्राई पैन में बना सकते हैं, आप इसमें चाहे उसमें बना सकते हैं। इसे अच्छे से इसे बस पका लेंगे 2 से 3 मिनट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो मलाई डाले थे, इसे बढ़िया से पका लिए हैं 3 से 4 मिनट। तो इसमें अब थोड़ा सा दूध डाल दे रहे हैं। ये देखिए, आधा कटोरी दूध डाल दे रहे हैं, इसे भी चला लेते हैं। मलाई डाल देने से इसमें खोया का कमी नहीं रहता है, तो खोया को पूरा कर देता है कमी इसका मलाई डालने से। तो ये देखिए, बहुत अच्छा मिठाई बनता है इसका। अब इसमें चीनी डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें चीनी डाल दे रहे हैं, जितना आप मीठा खा सकते हैं उतना 1 चम्मच डाल दे रहे हैं। ये देखिए, 1.5 चम्मच डाल दिए, जितना मीठा खा सकते हैं उतना डाल दीजिए। ऐसे सुखा लेंगे बढ़िया से। ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है मिठाई कच्चे नारियल की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सोख गया है और बढ़िया से एकदम पूरा गुंजा गया, पर दूध भी इसका सोख गया है। ये देखिए, पेशर मावा की तरह एकदम लग रहा है बिल्कुल। इसे 3 से 4 मिनट और इसका दूध सुखा लेंगे। ये देखिए, कितना अच्छा बन गया इसका, बिना घी, बिना मिल्क पाउडर, बिना मावा का। तो ये देखिए,
इसे 3 से 4 मिनट आप सुखा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन के तैयार हो गया है, झटपट मिठाई बन के तैयार हो गया है। ज्यादा देरी नहीं लगता है, ये टाइम नहीं लेता है, 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो गैस ऑफ कर देते हैं। अब अगर आपको इसमें इलायची पाउडर डालना हो तो डाल सकते हैं, मैं तो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें नारियल का ये जो स्वाद रहता है वो अपने आप में ही बढ़िया रहता है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अब इसे मैं एक ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक थाली में मैं बटर पेपर लगा दी हूँ, इसमें ग्रीस करके घी से ग्रीस कर दीजिए या ऑयल से। और इसमें मैं ये जो बना के रखी थी मिठाई इसे मैं डाल दे रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं एक चम्मच की सहायता से इसे पूरा प्लेन कर दी हूँ, सही कर दी हूँ इसे। तो अब 15 से 20 मिनट इसे फ्रीज में डाल दीजिए या फिर किचन के रख दीजिए रैक पे। तो इसे 15-20 मिनट के बाद मिलती हूँ फिर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 15 से 20 मिनट मान के चलिए आधा घंटा हो गया है। तो ये देखिए आधा घंटा बाद निकाल दी हूँ। तो इसे मैं अब चाकू से इसे देखिए इस टाइप से कट कर दे रहे हैं। तो ये पूरे कितना अच्छा बना है मिठाई। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बन गया है। तो इसे मैं अब देखिए प्लेट में रख दे रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बन गया है। तो ये सर्व कर दिए हैं, तो इसे अब तोड़ के भी दिखा दे रहे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा बन गया है, इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि कैसा बना है। अगला वीडियो फिर लेके आएंगे। ओके बाय, थैंक यू।